जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस 12 बज चुका है, जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस मॉक टेस्ट में हम लोग जनरल हिंदी जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। तो पहला क्वेश्चन है कि यथासंभव में कौन सा समास होगा। सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर ये शब्द आ जाएं आंख बंद करके, वहां पर आप अव्ययीभाव समास पर टिक कर दीजिए। ठीक है, जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं तो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पाठ वस्तु में कौन सा समास है अव्ययीभाव तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधार। पाठ्य पुस्तक में कौन सा समास है, सॉरी पाठ वस्तु में। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रूपांतरित का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। 1960, 1955, 1965, 1970। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1955। 11वां क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया। हिंदी प्रदीप, इंदु, कवि वचन सुधा, भारत बंधु। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कवि वचन सुधा। अगला क्वेश्चन, मैं अपने आप काम कर लूंगा मैं आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। आलसी, आलस, आलसीपन, आलस। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट। यहां से देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के आगे चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्यायवाची शब्द चुनिए। दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बहुत ईजी आसानी से बता सकते हैं, खीर, पेय, नवनीत, स्तन्य। दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जो भी बच्चे टी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, स्तन्य। वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पाणी, अंग्राग, मकर, अंगुलमाल। अगर 50 बच्चे अगर लाइव आते हैं तो 50 में मुश्किल से 15 ही लाइक मिलते हैं। अगर 50 बच्चे लाइव हैं तो कम से कम 30 लाइक तो बनता ही है। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द होगा पानी, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। उदर मापदंड, बंगदूत, लोकमित्र, प्रजा, हितैषी। हिंदी का पहला समाचार पत्र, जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उदन मापदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्की का। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ईरानियों का। शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनना है आप लोगों को। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा।
जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? लिखना, हंसना, रोना, सोना, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा ये बताना है आपको। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि होगी गुण संधि, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निर्वाद में कौन सा समास है? कर्मधार, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुप्रीय। निर्वाद में कौन सा समास होगा? जो भी बच्चे पी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है अपकर्ष होगा, ऑप्शन ए इज राइट। वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ सभी बच्चों को। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अभियुक्त, अधियुक्त, अधियोक्ता, अभियोक्ता, अभियोक्ता, ऑप्शन डी इज राइट। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि भीख मांगना, भीख मांगना होगा ना, हाथ पसारना, ऑप्शन ए इज राइट, मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, होनहार बिरवान के हित चिकने पात लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, छेकानुप्रास, वक्रोक्ति। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, शुद्ध वाक्य चुनिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। शुद्ध वाक्य चुनना है आप लोगों को, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ठीक है। गलत युग्म चुने, साकेत, मैथिली सारंग, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, रंगभूमि, माधवी वर्मा, गोदान, मुंशी प्रेमचंद, बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुखी, आरोहण, उपकरण, निर्विरोध। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा? जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या होगा? अंत वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा, स्टार्टिंग का शुरू का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो अध्यापिका, इका, ऑप्शन डी इज राइट। जो बच्चे डी वाले ऑप्शन में टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मन के किसी प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था, चंचलता, मनमोहक, मनोवृत्ति, मनोद्रव, बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मनोवृत्ति। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है, संघ, समिति, सम्मेलन, समवाय, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, संघ। अनेकार्थक शब्द, घंटा, मिनट, सेकेंड, काल, अनेकार्थक शब्द, ऑप्शन डी इज राइट, काल। क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा? तृष्णा, तृष्ण, तृप्त, मृग, तृष्णा, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है, अधिरथ का अर्थ क्या होता है? रथ हांकने वाला, रथ बनाने वाला, कोषाध्यक्ष, चौकीदार, ऑप्शन इज राइट, रथ हांकने वाला। पानी गहना उभरे के लेखक कौन है? कबीर, रहीम, तुलसी, सूरदास। पानी गहना उभरे के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी इज राइट, रहीम होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बदही बनवास पुस्तक के लेखक, बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली सारंगगुप्त, अयोध्या सिंह, अरिहोत, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अयोध्या सिंह, अरिहोत।
अगला क्वेश्चन, दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? मात्री छंद, मुक्त छंद, बाणी छंद, वर्णी छंद। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मात्रिक छंद। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन कर्म, ऑप्शन सी इज राइट। यदि पूछा जाए कि सत्कर्म में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि होगी। दही बड़ा में कौन सा समास होगा? दही में बड़ा, या फिर दही का बड़ा, ये भी बोल सकते हैं ना आप, तत्पुरुष, द्विगु, बहुप्रिय या फिर द्वंद। बताइए क्या आंसर होगा, दही बड़ा में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। योजना आयोग है कानूनी निकाय, सलाहकार समिति स्वायत्त निकाय, एक मंत्रालय। सलाहकार समिति, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। पंजाबी भाषा की लिपि, देवनागरी, गुरुमुखी, अप्रवश, संस्कृत। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। अगला क्वेश्चन, आगे पीछे खाए मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर क्या आएगा, आगे झरना या आगे पहाड़, आगे कुआं, पीछे खाए। बहुत ही ईजी, आसानी से बता सकते हैं आप लोग, आंख बंद करके बता सकते हैं। जैसे कि आपने सुना कि आगे पीछे खाए, ये तो होगा नहीं, तो आगे कुआं पीछे खाई, ये होगा ना। तो जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए अगर 50 बच्चा भी अगर लाइव आता है तो ज्यादा से ज्यादा 15 ही लाइक हमको मिलते हैं। अगर 50 बच्चा लाइव है तो कम से कम 30 लाइक तो बनता ही है, कम से कम 30 लाइक। क्लास का टाइम नोट कर लीजिए, पहली क्लास दोपहर 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको टाइम से आ जाना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम से आ जाना है। यदि आप आपका दृढ़ संकल्प है कि इस बार हमको वर्दी लेना ही है सीआरपीएफ की, तो 12 बजे टाइम पर आ जाना है। 12:01 नहीं होना चाहिए, रात के 8 बजे, 8 बजे आ जाना है आपको, 8:01 नहीं हो पाना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकतृति का सही अर्थ क्या होगा? चोर का स्वयं डरना, चोरी की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, चोरी करता है, चोर का स्वयं डरना, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द, ऑप्शन सी इज राइट, शक्त। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करके आंसर बताना है आपको। भक्तों की सेना जा रही है तो होगा नहीं, भक्तों की टुकड़ी जा रही है ये भी नहीं होगा, भक्तों की भीड़ जा रही है ये भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि भक्तों की मंडली कहा जाएगा, टुकड़ी भी नहीं कहा जाएगा, भीड़ भी नहीं कहा जाएगा, सेना भी नहीं कहा जाएगा। यदि भक्त मंदिर जा रहे हैं तो मंडली कहा जाएगा ना, ना कि टुकड़ी, भीड़, सेना। झारती बात है, ऑप्शन बी इज राइट, भक्तों की मंडली जा रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? दिलीप कुमार, भानु थैया, लता मंगेशकर, सत्यजीत रे। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे भानु अथैया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1954, 1942, 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन डी इज राइट, 1952 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है, ऑप्शन सी इज राइट।
अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है, डिगबोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लोकोमोटिव, कच्चा तेल, कोयला, लोहा। डिगबोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मेथिल आइसोथायोसाइनाइड। देखिए गाइस, यदि आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई टेस्ट सीरीज यदि आपने ज्वाइन कर ली, तो मैं गारंटी देता हूं हिंदी का और जो आपका जीके जीएस में तो काफी कुछ आ जाता है, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ आपका, साइंस हुआ आपका, काफी कुछ आ जाता है, और हिंदी में तो पूरा का पूरा कोर्स ही आ जाता है। यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तो हिंदी का और जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम टू टाइम ऑनलाइन आना है, जैसे कि 12 बजे क्लास होती है, मैंने आपको पहले बताया था, 12 बजकर 1 मिनट नहीं होना चाहिए। रात के 8 बजे वाली क्लास होती है, उसमें भी 8 बजकर 1 मिनट नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप टेस्ट दीजिए, गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरी भाषा में HTTP में H से तात्पर्य क्या है? हाइपर, हाइड्रो, हार्डिस, हाई। कंप्यूटरी भाषा में HTTP में H से तात्पर्य क्या है? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, ऑप्शन ए इस राइट, हाइपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? 1948, 1951, 1954, 1956। तो पंचवर्षीय योजना ये कब से शुरू हुई है? जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1951। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, चावल, चना। वीडियो को लाइक जरूर करें सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? चावल, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है 4 से 16, 5 से 14, 6 से 14, 8 से 14। प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भैया मेरे कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, कादंबरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास। कादंबरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जो है आपका बाणभट्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है गाइस कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, क्वेश्चन है गाइस कि वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है, खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक की बात हो रही है यहाँ पे, जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है, तो जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? ऑप्शन बी जो है आपका जिम्बाब्वे की, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कथक। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता, पटना। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, USA, न्यूयॉर्क, पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति? रॉबर्ट पियरी, एडमर्ट हिलेरी, यूरी गागरिन, एमंडर्ट सेन। बताइए क्या आंसर होगा। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, एमंडर्ट सेन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन बी जो है आपका अंग्रेजी भाषा में लिखी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? रूस, USA, जापान, चीन। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रूस ने छोड़ा था। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त को गिराया गया था। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। अगला क्वेश्चन, सूर्य के समीप कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। सूर्य के समीप सबसे जो ग्रह है वो कौन सा है? समीप बुध ग्रह। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुध ग्रह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, खुजराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? चंदेल, पाल, चोल, पल्लव। खुजराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चंदेल। अगला क्वेश्चन, एक मार्कर किसके मानक की गारंटी है? गुणवत्ता, मात्रा, वजन, आकार। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, एक मार्क। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526, 1539, 1605, 1761। बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1761। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या है 2, 6, 8, 12। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 12। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है जनता, सार्वजनिक मताधिकार, राजनीतिक पार्टियां, मंत्रीगण। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है ऑप्शन सी जो है आपका राजनीतिक पार्टियां, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1857, 1853, 1966, 1866। तो भाई क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट, 1853। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर ट्रिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर, पेशा कर, बिक्री कर, निगम कर। बिक्री कर, ऑप्शन सी इज राइट। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? कुंवर सिंह। जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? मानवीय संसाधनों का विकास, सामाजिक न्याय, कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार, आर्थिक विकास। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानवीय संसाधनों का विकास। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ऑप्शन बी जो है आपका द्वितीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है? निखिल बनर्जी, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खान, विलायत खान। कौन सितार से संबंध नहीं है? उस्ताद अलाउद्दीन खान। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथकली नृत्य है गुजरात का, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कथकली नृत्य है केरल का। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। बताइए क्या आंसर होगा, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, आप लोग लाइक नहीं करते हैं लाइक जरूर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय जय भारत।